जो नेशनल एग्रीकल्चर इमरजेंसी था उसके तहत हमने जो 11 प्रोजेक्ट लाए उसमें हमने इस सूबे के लिए सबसे पहले वीट प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट प्रोग्राम वो लॉन्च किया, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट ऑफ राइस जो हमारे हमारे इस सूबे का पोटेंशियल एरिया में हम वो कर रहे हैं उसको हमने लॉन्च किया प्रोग्राम। और इसके साथ ही हमने शुगर कैन प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट ऑफ शुगर कैन वो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया और मतलब है कि उस भी हमने सूबे में काम शुरू किया। 19 अरब रुपए हमने वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को हमने दिए और साथ ही हमने उसको 32 अरब जो हमारे फॉरन फंडिंग डिपार्ट एक स्कीम है जो हमने वो भी मतलब कि लॉन्च किया। हमने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया कि एनहांसमेंट ऑफ कमांड एरिया आप स्मॉल डैम एंड मिनी डैम सेल कन्वर्शन का काम यही है कि मतलब है वो उसको भी हमने प्रायोरिटी ये दी कि मतलब है ये नेशनल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इन बरौनी एरिया। तो इस वो प्रोग्राम 14 अरब के हमने वो प्रोग्राम लाया और लाइफ स्टॉक सेक्टर में हमने भी तकरीबन 3 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। नेशनल प्रोग्राम के तहत हमने सेव द काफ प्रोग्राम जो है ना वो शुरू किया। फीडलेट पेंडिंग प्रोग्राम जो मतलब है कि जानवरों को परवाह करने के प्रोग्राम हमने शुरू किया है। रूरल फूड ट्री भी हम मतलब है कि प्रोग्राम हमने शुरू किया उस पर भी हम अमल करते हैं और मतलब है कि वो प्रोग्राम इंशाल्लाह शुरू है। 1000 और प्लस मलाकंड डिवीजन इसमें टोटली ट्राउट फार्मिंग के तकरीबन हमारे साथ 17 फार्मर थे, मतलब कि 17 फार्मर थे तो उसके लिए भी हमने एक प्रोग्राम डाला। और साथ साथ हमने जो 2 डिवीज़न है जो कूल वाटर एरियाज है इसमें हज़ारा डिवीज़न और जो मलाकंड डिवीज़न है इसमें दो नई हिचरीज बनाने का भी हमने फैसला किया। हम तकरीबन 95 अरब रुपए जो है ये हम लगा रहे हैं और मतलब है कि 95 अरब से आपको पता होगा कि मतलब है कि सूबे में एग्रीकल्चर के मद में एक इनकलाब आएगा इंशाल्लाह। इस सूबे के लोगों को हम सर्टिफाइड सीड देंगे जो मतलब है कि इसके एनवायरनमेंट के साथ और इसके जो मतलब है कि जिस एरिया के लिए वो सूटेबल हो। 44 लाख एकड़ ज़मीन हम इसमें आधा जो बरानी है आधा कल्टिवेटेड है, इसके साथ ही 32 लाख एकड़ ज़मीन हमारे साथ कल्चरेबल वेस्ट लैंड पड़ा है जो बंजर ज़मीन उसको हम कहते हैं। इसके लिए भी हमने मतलब है कि नेशनल प्रोग्राम में भी हमने प्रोग्राम शुरू किया था और अब भी उसके लिए हम प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं कल्चर रिक्लेमेशन आप कल्चरेबल वेस्ट लैंड मतलब है कि उसको भी हम सिस्टम में डालेंगे और मतलब है कि उसको भी हम मतलब है कि वो बंजर अराजी को हम आबाद करेंगे। इसके साथ हम क्लाइमेट चेंज पर भी काम कर रहे हैं कि मतलब है क्लाइमेट के साथ हम मतलब है कि किस तरह उसके साथ उसका मुकाबला करें और मतलब है कि ऐसे बीज हम पैदा करें कि मतलब है वो क्लाइमेट के मुनासिबत से वो ठीक ठाक हो और मतलब है कि उसमें ये कुव्वत हो कि मतलब है कि वो क्लाइमेट जो उसमें आता है वो बर्दाश्त कर सके। नेशनल आलिव प्रमोशन प्रोग्राम में तकरीबन 6 लाख टॉप वर्किंग प्रोग्राम है जो मतलब है कि जो हमारे वाइल्ड आलिव है इसमें हम टॉप वर्किंग करेंगे तो ये भी इस प्रोग्राम में उसने शामिल किया है। और ये सूबा पहला सूबा बन गया है कि हमने फूड सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है अभी तो उसकी भी हमने तकरीबन 236 बिलियन के हमने प्लान बनाए हैं और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द जो है वो कैबिनेट से अप्रूव होगा और इसमें ये प्लान शामिल जो प्लान है इसके हम स्टार्ट लेंगे और 10 साल के लिए हमने जो 236 बिलियन का टारगेट हमने अपने आप को रखा है तो इंशाल्लाह इस पर हम जाएंगे और मतलब है कि इस सूबे को इस मुल्क को हम हकीकी मानों को जो है ना एक ज़रूरी मुल्क बनाएंगे।